हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। दोस्तों बता दें आपको कि एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और हर वर्ष इससे कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही आते रहते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम 1989 वाला देखेंगे और 2018 में जो संशोधन हुआ उसे भी देखेंगे और एक अधिनियम 1995 वाला भी देखेंगे, ठीक है इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1989 वाले एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करना, SC ST समाज पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना और अपराध से पीड़ित व्यक्ति को राहत, पुनर्वास, अन्य सुविधाएं प्रदान करवाना और सामाजिक समानता, समरसता के साथ साथ शोषित वर्ग का सशक्तिकरण करना। चलिए इसका प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। इसमें यह अधिनियम क्रमांक वर्ष 1989 का 22 है और यह 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 14 के अंतर्गत विशेष विधि के अंतर्गत आता है। इसमें बता दें आपको कि पांच अध्याय हैं, धाराएं 23 हैं और यह गैर जमानतीय संज्ञेय आसमनीय है। अध्याय जो फर्स्ट इसका है प्रारंभिक, इसमें फर्स्ट धारा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। संक्षिप्त नाम है इसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और 30 जनवरी 1990 से लागू है। चलिए अब आगे परिभाषाएं देख लेते हैं इसकी। दो काम है अत्याचार की परिभाषा, धारा 3 में जो वर्णित कहते हैं उसे अत्याचार बोला जाता है। दो का खा में है संहिता की परिभाषा, इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो है वही है। दो खा में है आश्रित, मतलब पीड़ित पर जो आश्रित है उसकी परिभाषा। दो खा गा में आर्थिक बहिष्कार और टू खा घा में अनन्य विशेष न्यायालय धारा 14(1) के तहत दी गई। जो खा डा में वन अधिकार, परंपरागत निवासियों के वन अधिकार अधिनियम 2006 वाले। खा चा में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा। खा छा में लोक सेवक, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत। जो अब दूसरे की गा धारा, इसमें अनुसूचित जाति आर्टिकल 366 का खंड 24 में जो परिभाषा है वही है और अनुसूचित जनजाति के आर्टिकल 366 का खंड 25 में। अब दूसरे के घा देख लेते हैं। इसमें विशेष न्यायालय सेंसन न्यायालय धारा 14 की तरह थे। और दूसरे के राम है विशेष लोक अभियोजक धारा 15 दिया गया। दूसरे के डा का में अनुसूची की परिभाषा और दूसरे के डा खा में है सामाजिक बहिष्कार, दूसरे के डा गा में है पीड़ित की परिभाषा, दूसरे के डा घा में है साक्षी की परिभाषा और दूसरे धारा दूसरी के चा में इसमें अधिनियम में प्रस्तुत अपरिभाषित पद या शब्द जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, धारा 3 आ गई हम, ठीक है इसे देख लेते हैं। अत्याचार के अपराध के लिए दंड, इसमें बता दें हम दोस्तों कि आपको जित अध्याय 2 है अत्याचार के अपराध के लिए, इसमें धारा 3 है अत्याचार के अपराध के लिए दंड। 3(1) में कोई व्यक्ति जो SC ST का सदस्य नहीं है और किसी SC ST के सदस्य को इस तरह का अपराध करता है, अखाद्य पदार्थ खिला दे, कूड़ा करकट, पशुओं का जल सब या इसी तरह का अन्न
खाद्य पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ उसके घर के सामने डालता है, या मतलब जहाँ वो रहते हैं, या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाता है, नग्न अर्धनग्न जूतों की माला पहना के घुमाता है, कपड़े उतरवाना या मुंडन करवाता है, मूछें हटाता है, या भूमि पर कब्जा धमकी दे धमका कर खेती खरीदना, बेगार बलात्संग बंधुआ बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करता है, मतदान ना करने करने देना या विशेष पक्ष में वोट डालने के लिए विवश करता है, मकान गांव निवास छोड़ने पर विवश, गाली गलौज या अपमानित या धार्मिक स्थलों पर का अपवित या इसी तरह के अन्य कोई भी अपराध करता है SC ST के सदस्य के खिलाफ, तो जो करेगा उसे 6 माह से 5 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना होगा। ठीक है, अब आपको बता दें धारा 3 का, इसमें झूठी गवाही, अगर कोई व्यक्ति जो SC ST का नहीं है वो ST SC ST सदस्य के खिलाफ गवाही देता है जिसमें मृत्युदंड की गवाही हो, है? अगर ऐलान होता है मतलब उसे वो होता है अभी हुआ नहीं है, मृत्युदंड नहीं होगा, नहीं दिया गया, तो जो व्यक्ति झूठी गवाही देगा उसे आजीवन कारावास होगा और जुर्माना। आपको यहाँ बता दें और अगर फांसी दे दी गई है मृत्युदंड, तो जिसने झूठी गवाही दी है उसे भी मृत्युदंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। खा में तीसरे दो में खा में, इसमें 7 वर्षों से अधिक की सजा पर 6 माह से 7 वर्ष तक की सजा होगी जो व्यक्ति झूठी गवाही देगा और जुर्माना भी। ठीक, तीसरे के दूसरी खा गा में ST SC की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 6 माह से 7 वर्ष का जुर्माना, कारावास और जुर्माना, और पूजा स्थल या मानव आवास या नष्ट करने पर ST SC के, तो कोई सदस्य करता है जो ST SC का नहीं है तो उसे आजीवन कारावास होगा और जुर्माना। तीसरे के दूसरे घा में है IPC के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास दंडित अपराधी है कोई, वो ST ST संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे आजीवन कारावास होगा और प्लस जुर्माना। दूसरी के नाम है लोक सेवक अपराध, अगर लोक सेवक कोई अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष की सजा दी जाएगी। धारा 4 की बात कर लेते हैं, कर्तव्य उपेक्षा पर दंड, इसमें जैसे लोक सेवक है कोई अधिकारी है वो लापरवाही करता है और इस तरह के अपराध करता है तो उसे 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। धारा 5 में पश्चातवर्ती अपराधों पर दंड, अगर कोई दोबारा इस तरह के अपराध करता है तो उसे न्यूनतम सजा 1 वर्ष दी जाएगी, एक बार कर चुका है दोबारा करेगा कोई। ठीक है, धारा 6 की बात कर लेते हैं, तो भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू होना, समझ में। IPC 1860 के अध्याय 3, 4, 5 लागू हो गया। ठीक है, अच्छा समझे दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं धारा 7 की। धारा 7 में दिया गया कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का अधिग्रहण करना, अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति इस तरह के समूह कोई वो करता है अपराध करता है तो विशेष न्यायालय आदेश दे सकता है अचल और चल संपत्ति को मतलब जब्त करने के लिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं धारा 8। धारा 8 में दिया गया अपराधों के संबंध में उपधारणा, इसमें जैसे कोई अपराधी है उसकी सहायता कोई करता है जो अपराधी पर सजा होगी वही सहायता करने वाले को अपराधी माना जाए। ठीक, धारा 9 में शक्ति प्रदान करना, राज्य सरकार नियम बनाकर किसी अधिकारी को गिरफ्तारी करने मतलब अधिकारी को शक्ति दे सकता है कि गिरफ्तारी
अन्वेषण अभियोजन की शक्ति दे सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अध्याय 3 निष्कासन, इसमें धारा 10। ठीक है, धारा 10 में अपराध, संभावित अपराधियों को क्षेत्र से हटाना, इसमें कोई मतलब क्षेत्र है वहां संभाव लगता है कि यहाँ जो कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध कर सकता है, तो विशेष न्यायालय एक आदेश दे सकता है राज्य सरकार को कि वहां से उस व्यक्ति को हटा दिया जाए। और क्षेत्र कैसा माना जाएगा, आर्टिकल 244 में SC ST क्षेत्र से संबंधित रहता है। धारा 11 की बात कर लेते हैं, व्यक्ति द्वारा क्षेत्र से ना हटने या पुनः प्रवेश करने की दशा में प्रावधान, कोई व्यक्ति है जो उस क्षेत्र से नहीं हट रहा है या पुनः हट के चला गया था फिर आ गया, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, धारा 12 की बात करते हैं, व्यक्ति की माप एवं फोटो लेना, जैसे कोई व्यक्ति है मतलब उसने इस तरह के अपराध किए हैं, तो उसकी व्यक्ति की माप या फोटो मतलब कोई भी उससे पहचान पत्र या फोटो ले सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो ये माप और फोटो हटा दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे उसके, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, धारा 13 की बात कर लेते हैं, धारा 13 में दिया गया, धारा 10 के आदेशों के उल्लंघन पर दंड, अगर कोई धारा 10 का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम 1 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना। ठीक है, अब अध्याय 4 की बात कर लेते हैं, 4 विशेष न्यायालय, धारा 14 में विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा राज्य सरकार SC हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। इसमें दो तरह से विशेष न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायालय कहलाए। चलिए आगे देख लेते हैं, धारा 14 का न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं, अपील अगर इस न्यायालय ने जो गठित किया गया उसने निर्णय दे दिया तो केवल हाई कोर्ट में इसकी अपील की जाएगी, की जा सकती है, उससे नीचे किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। विशेष न्यायालय का दर्जा सत्र न्यायालय का ही होता है। ठीक है, धारा 15 की बात कर लेते हैं, विशेष लोक अभियोजक, किसी मतलब विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार करेगा, और जो अभियोजक मतलब लोक अधिकारी होगा इसकी अधिक वक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो इसे। ठीक, अध्याय 4 का में देखते हैं विक्टिम विटनेस, मतलब इसमें पीड़ित और साक्षी के अधिकार कुछ दिए गए, इसे धारा 15 A में रखा, का में रखा गया है या ए में, 4 मार्च 2014 को शामिल किया गया, पीड़ित और साक्षी के अधिकार राज्य सरकार प्रदान करेगी। धारा 15 की बात कर लेते हैं, प्रकीर्ण, अध्याय 5 में प्रकीर्ण, इसमें 16 धारा 16 में दिया गया, सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार की शक्ति है, और जो सिविल अधिकार अधिनियम 1955 की धारा 10 का के ऊपर सभी लागू होते हैं इस पे। ठीक है, मतलब कोई अधिकार, कोई वो समूह इस तरह के अपराध करते हैं तो राज्य सरकार उन समूह मतलब जुर्माना आरोपित कर सकती है उन समूह पे, उस समूह पे। धारा 17 की बात करते हैं, विधि विधायी तंत्र द्वारा निवारण कार्रवाई, इसमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यालय मजिस्ट्रेट, DSP स्तर का कोई अधिकारी कार्रवाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, धारा 18 धारा 18 में दिया गया,
2018 में अधिनियम के अधीन अपराधियों पर आईपीसी की धारा 438 का लागू ना होना। ठीक, मतलब धारा 438 में जमानत हो सकती है, इस तरह के मतलब नियम दिए गए हैं, लेकिन धारा 438 है जो वो इस पर लागू नहीं होगी इस अधिनियम में। ठीक, धारा 19 की बात करते हैं, दोषी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 304, 360 और अधिनियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1858 के उपबंधों का लागू ना होना। ठीक, धारा 20 की बात कर लेते हैं, अधिनियम का अन्य कानून पर प्रभावी होना, मतलब ये अधिनियम अन्य कानून से ऊपर है, इसका मतलब है। ठीक है, धारा 21 की बात कर लेते हैं, राज्य सरकार का अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व, राज्य सरकार का ये मतलब दायित्व है, कर्तव्य है कि वो इस अधिनियम को अच्छे से लागू करे, मतलब कोई एसटीएससी का सदस्य इससे वंचित ना रह जाए। ठीक, धारा 22 के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई, मतलब यहाँ सद्भावना का अर्थ होता है लोक कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण के लिए जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा हो या किसी अधिकारी द्वारा हो, मतलब इससे संबंधित उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही कोई जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 23, धारा 23 की बात, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है, इससे संबंधित इस अधिनियम से संबंधित कोई नियम बनाना है तो उसकी शक्ति केंद्र सरकार की है। अब देव यहाँ बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995, आपको यहाँ बता दें धारा 23 का जो केंद्र सरकार को अधिकार में लागू हुआ है नियम बनाने, इसी के तहत 1995 का गठन किया गया था, कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना क्रमांक 316 के तहत 31 मार्च 1995 को। ठीक है, इसमें नियम कुल 18 हैं, जी देख लेते हैं हम कौन कौन से नियम। फर्स्ट में संक्षिप्त नाम और आरंभ, और नियम दूसरे में परिभाषाएं, नियम तीसरे में पूर्वा बदनात्मक और निवारण उपाय, नियम चार में अभियोजक का पर्यवेक्षक और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और नियम पांच में पुलिस थाने के भारदायक पुलिस अधिकारी को सूचना, और नियम छह में अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण, नियम सात में अन्वेषण अधिकारी, नियम आठ में अनुसूचित जाति और जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करना, नियम नौ में नोडल अधिकारी का निर्देशन सचिव करेगा, और नियम 10 में विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो एडीएम स्तर का होगा, और नियम 11 में पीड़ित या साक्षी को यात्रा भत्ता देना, दैनिक भत्ता, भरण पोषण और अन्य सुविधाएं देना, नियम 12 में जिला प्रशासन द्वारा उपाय, नियम 13 में अधिकारियों कर्मचारियों का चयन, नियम 14 में राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट दायित्व, नियम 15 में राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक योजना, नियम 16 में राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन, इसमें मैक्सिमम मतलब अधिकतम 25 सदस्य होंगे, इसी तरह का जिला धारा नियम 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन, और 17 का में उपखंड स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन करें, और धारा 18 में वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री सरकार 31 मार्च के पूर्व ये पेश कर देगी वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, SC ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन अधिनियम विधेयक 2018 विधेयक। ठीक, इसमें बता दें फौजदारी अपील संख्या 416 के तहत डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन और बनाम महाराष्ट्र सरकार ने एक वो
की अपील की थी, मतलब PIL में। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं। इसमें मुख्य बिंदु है गिरफ्तारी पूर्व वो पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच कर पता लगाया जाए कि मामला, एक सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ गिरफ्तारी पूर्वक ओ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच कर पता लगाया जाए कि मामला जो प्रिवेंशन ऑफ एक्सटोसिटी एक्ट के तहत है या नहीं है, ठीक है, बनता है या नहीं बनता है, और SSP की अनुमति के बाद गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। और इसमें अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती, निर्देश पर मिल सकती थी, ठीक है। और अब जो आता है हमारा संशोधन विधेयक 2018, इसे लोकसभा में 6 अगस्त 2018 को पेश किया गया, राज्यसभा में 9 अगस्त 2018 को, राष्ट्रपति ने 14 अगस्त 2018 को पारित किया, और ये लागू 20 अगस्त 2018 से लागू हुआ। आपको बता दें विधेयक तब तक रहता है जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो उसे अधिनियम बोल देते हैं, ठीक है। धारा 18 का शामिल की गई इस अधिनियम संशोधन के तहत 1993 वाले नवासी, सॉरी दोस्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वाले में धारा 18 में का शामिल किया गया है। इसमें क्या दिया गया है, FIR के पहले जांच आवश्यक नहीं है, ठीक है। गिरफ्तारी पूर्व किसी अधिकारी की मंजूरी आवश्यक नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ एक्टोसिटी एक्ट अधिनियम और फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 के अलावा कोई प्रावधान लागू नहीं है, ठीक। किसी अदालत फैसला और निर्देश, किसी अदालत के फैसला और निर्देश इस अधिनियम पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, जो 65वें संविधान संशोधन 1989 के तहत आर्टिकल 338 के तहत इनका गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, 5 अन्य अंशकालीन सदस्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। आपको बता दें नवासीवीं में संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया, ठीक। और इसे दोनों को सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गई है, ठीक। चलिए SC मतलब अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जो फर्स्ट थे, जो सूरज भान थे, वो अभी जो करंट में 2018 में रामशंकर कठेरिया, ठीक है। वो अनुसूचित जनजाति के ST के जो अध्यक्ष हैं, जो फर्स्ट थे कुंवर सिंह, वो अभी जो करंट में 2018 में रामेश्वर उरांव हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ खत्म हो गया। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों।